शी सेड दैट ओनली अ फ्यू आर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ शी है शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ अपने जीवन के अंतिम अध्याय की समाप्ति के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने आज पहली बार प्रियर नहीं की है शी हैज ओमिटेड ओमिट करना मतलब मिटा देना हटा देना उन्होंने प्रेयर को हटा दिया शी हैड ओमिटेड टू प्रे उन्होंने प्रार्थना नहीं की ओमिट टू ओमिट करना हटा देना मिटा देना लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ अपने जीवन के इस अंतिम दिन में आज उसने प्रार्थना नहीं की प्रार्थना हटा दी शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू आर उन्होंने कहा देखो भाई मैंने आज अपने जीवन के आखिरी दिन प्रार्थना भी नहीं की प्रार्थना को भी हटा दिया क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती बुदबुदाना नहीं चाहती और इसीलिए अपना समय मैं तुम लोगों के साथ कुछ बात करने में भी वेस्ट नहीं करना चाहती आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू यू ऑल उन्होंने कहा कि आप तुम लोगों से बात करते हुए मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती आज तो मैंने अपनी प्रार्थना भी नहीं की है ये किनका कहना था दादी माँ का क्यों कहना था क्योंकि ये लोग बार बार बिकॉज ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रैंड सन एंड ग्रैंड सन्स फादर पेरेंट्स मस्ट बी परसुएडिंग हर मस्ट बी टॉकिंग अबाउट हर इलनेस एटसेट्रा शी सेड डोंट वरी आई डोंट वांट वेस्ट माय टाइम इन टॉकिंग अबाउट इट आई हैवंट इवन डन एनी प्रेयर टुडे जब माँ ने ऐसा कहा दादी माँ ने वी प्रोटेस्टेड हमने उसका कड़ा विरोध किया वी स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड ऐसा क्यों बोल रहे हो दादी माँ क्यों नहीं बात करोगे हमसे आपने प्रेयर नहीं की ठीक कोई बात नहीं लेकिन हमसे तो बात करो वी प्रोटेस्टेड अब देखिए कहानी कैसे भावनात्मक मोड़ पे आती है ग्रैंडसन कह रहा हमने विरोध किया माँ की इस बात का हमने कहा कि ऐसा क्यों लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनदेखा कर दिया दादी माँ ने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया वी प्रोटेस्टेड बट शी आवर प्रोटेस्ट टू इग्नोर मींस अनदेखा करना वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोरड आर प्रोटेस्ट उन्होंने हमारे विरोध का अनदेखा कर दिया शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट वो बिस्तर में लेट गई शांतिपूर्वक लेट गई और अपने माला को फिर से जपने लगी प्रार्थना करने लगी इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्ड हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग हमने विरोध किया हमने कहा क्यों चुप रहोगे क्यों बात नहीं करते माँ ने कहा कि नहीं बात करने की इच्छा नहीं मैंने तो अपनी प्रार्थना भी हटा दी है आज और ऐसा कहते हुए वो अपने बिस्तर में चली गई वहाँ शी ले इन हर बेड टू तो ले मने लेट जाना शी ले इन हर बेड एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो उनकी माला थी जपने की उसको थोड़ा सा जपा और फिर उसके बाद शांत हो गए, उनके जो चेहरे की जो भावना थी थोड़ी बदल गई मूविंग उनके होंठ भी हिलने बंद हो गया जो बुदबुदा रही थी प्रार्थना अब नहीं दिख रही थी हाथ में जो रोजरी थी वह भी गिर गया हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स लाइफलेस उनके निर्जीव हाथों से लाइफलेस मतलब निर्जीव जिसमें जान नहीं थी उससे वह गिर गया उनकी जो रोजरी थी बीड्स जिसमें था जपने की जो माला थी वो गिर गई उनके हाथों से ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉत डेड चेहरा बड़ा शांत दिख रहा था बहुत शांतमय चेहरा उनके चेहरे की भाव भंगिमा और हम समझ गए कि अब वह नहीं रही हम समझ गए कि अब वे निर्जीव हो गई हैं ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड कितना कैसा मोड़ लिया कहानी ने घटना ने वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड हमने उसे बिस्तर से उठाया लिफ्टेड हर ऑफ ओ डबल एफ ऑफ मतलब ऑफ शब्द का उपयोग जब हम करते हैं बार बार कई बार तो ऑफ का मतलब होता है किसी को किसी चीज से अलग करना ओ डबल एफ ऑफ अलग करने की भावना को बताने के लिए कई बार ऑफ शब्द को क्रिया से जोड़ देते हैं तो यहां पर वी लिफ्टेड हर ऑफ बेड बिस्तर से हमने उसे उठाया अलग किया एज ए स्टमरी जैसा कि कस्टम में है जैसा कि परंपरा है जैसा कि रीति रिवाज है बेड एज एस कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ रेड श्राउंड लाल कपड़े से उसके शरीर को हमने ढक दिया हमने उसे बिस्तर से उठाया जमीन पे फैलाया लाल कपड़े से उनके शरीर को ढक दिया वह चेहरा जो इतना सौम्य दिख रहा था वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द बेड ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ रेड श्राउड श्राउड मैंने कपड़ा आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन मोर्न मीन्स अफसोस करना किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करना सो so, कुछ समय तक हम लोग वहां बैठे और हमने मॉर्निंग की अपना दुख प्रकट किया दुख कैसे प्रकट करते हैं शोक शोक प्रकट करना कुछ अशुरधारा रोना जो होता है अपने नियर डियर के जाने पर जो हम करते हैं वो वहां पे हुआ और उसके बाद फिर हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और मृत्यु के बाद की क्रियाओं की व्यवस्था करने के लिए निकल गए आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल फ्यूनरल मतलब अग्निदाह जो शवदाह गृह में जो शरीर को जलाया जाता है उसे कहते हैं फ्यूनरल और जो दफनाया जाता है जो इस्लाम धर्म में है उसे कहते हैं बरियल बी यू आर आई ए एल बरियल यानी दफनाना और फ्यूनरल मतलब जलाना जलाने के अग्निदाह शरीर का जो अग्निदाह होता है वह फ्यूनरल कहलाता है और शरीर को जो कब्रदाह होता है वह बरियल कहलाता है तो बैरी मीन्स दफनाना बरियल मतलब वह जगह कब्र और बैरी मीन दफनाना तो so यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदू परिवार था तो आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल उनको हमने अकेला छोड़ दिया ताकि हम उनके अग्निदाह की व्यवस्था कर सकें इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर क्रूड स्ट्रेचर स्ट्रेचर क्या होता है जिसमें शरीर को स्ट्रेच किया जाए स्ट्रेच करना यानी फैलाना पैर शरीर फैलाया जाए तो ऐसा बांस का बना हुआ आपने देखा होगा जिन लोगों ने शव यात्रा देखी होगी वहाँ बांस से दो बांस को जोड़कर उसमें आड़ी सीढ़ी जैसा एक बांस का ढांचा बनाया जाता है और उसके ऊपर मृत शरीर को रखा जाता वो बड़ा क्रूड रहता क्रूड मतलब सुंदर नहीं रहता रफ़ रहता और मृत्यु के समय क्या सुंदरता? सो इट वॉज अ क्रूड थिंग आफ्टर अ फ्यू आवर्स द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर इन द इवनिंग क्यों क्योंकि सुबह हम उनको कमरे में अकेला छोड़कर चले गए थे जो अन्य परिवार के लोग आते थे वहाँ बैठते थे लेकिन हम लोग व्यस्त थे फ्यूनरल की तैयारी में शाम को इन द इवनिंग शाम को हमने हम उनके कमरे में गए और उनको एक क्रूड स्ट्रेचर में सनसेट के पहले होता है ये क्रूड स्ट्रेचर में उनके शरीर को रखा टू बी क्रीमेटेड क्रीमेट करना जलाना क्रेमेटोरियम यानी शवदा गृह क्रीमेशन ग्राउंड यानी शवदा गृह टू क्रीमेट मतलब जलाना तो वी टुक हर टू बी क्रीमेटेड। द सन वॉज सेटिंग और हमारे हिंदू परिवारों में परंपरा है कि सन सेट के पहले सूर्यास्त के पहले शरीर को अग्नि दे दी जाए द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरेंडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट जो उनका कमरा है जो वरंडा है वहाँ पे हमने वहाँ पर सूरज की रोशनी जो बड़ी सुंदर थी गोल्डन कलर की थी वो आ गई थी द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट लिट शब्द कहां बना? Light से बना लाइट से लाइट लिट जलाना रोशनी देना एंड हैड लिट हर रूम एंड वरिंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड जो वरिंडा था कोर्टयार्ड था कोर्ट यार्ड में हम आधे रास्ते पर रुक गए और उसके बाद ऑल ओवर द वरेंडा एंड इन अ रूम राइट टू वेयर शीले डेड एंड स्टिफ इन द रेड श्राउट थाउजेंड ऑफ पैरोस उनको उनके शव को अपनी दादी माँ के शव को हमने जब उस पर रखा वो स्ट्रेचर पर और उसके बाद हाफ वे आए वरंडा में और वरंडा में हमने रखा जहाँ पे दादी बैठती थी आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ग्रैंड सन ने बताया कहानी में कि दादी दोपहर में वहाँ बैठती थी उसी वरंडा में दादी के शव को लाया गया जमीन पर रखा गया और वहाँ पर हजारों चिड़ियाँ आ गई उसी जगह पर जहाँ पे वे चिड़िया अपना दाना खाने आती थी जिसको दादी रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ के दिखलाती थी वही चिड़िया जो दादी के पैर पे, दादी के कंधों पे, दादी के सिर पे बैठती थी और दादी मुस्कराती थी वही जगह जहां पे अपने अंतिम दिनों में दादी कभी कभी झड़क देती थी इन चिड़ियों को इनकी चिल्लाहट को ऑल ओवर द विंडा एंड इन रूम राइट टू वेयर शी लेड जहां तक जहां वो लेटी हुई थी वहां तक राइट अप टू द रूम वेयर शी शीले डेड एंड स्टिफ स्टिफ मैंने कड़ा शरीर अब कड़ा हो गया था उनका डेथ के बाद शरीर कड़ा हो जाता है शी शीले डेड एंड स्टिफ रैप इन द रेड श्राउड डब्ल्यू आर ए पी रैप मतलब ढकना तो हर बॉडी वॉज रैप्ड इन ए रेड श्राउड लाल कपड़े से ढका हुआ जो रखी हुई थी वहां पर थाउजेंड ऑफ स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर टू स्कैटर मैंने फैला देना फैल जाना फैला देना तो ये जो चिड़िया थी वो सब फैली हुई वहां पर हजारों चिड़िया वहां बैठी हुई थी स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर देर वॉज नो चार लेकिन अंतर ये था कि इस बार चिड़िया चहचहा नहीं रही थी आवाज़ नहीं कर रही थी सब चिड़िया चुप थी वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स चिड़ियों के लिए हमें बड़ा अफसोस हुआ एंड माई मदर ब्रेड फॉर देम और मेरी माँ जब उन्होंने ये देखा तो वो अंदर गई और उन्होंने कुछ ब्रेड लाई इन चिड़ियों को देने के लिए टू फेच मतलब मैंने पहले भी बताया था टू गो एंड ब्रिंग वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स हमको बहुत दया आई इन चिड़ियों पर बड़ा अफसोस हुआ इन चिड़ियों को देख कर क्योंकि शायद वो इस उम्मीद में आई थी कि दादी माँ आई हैं वो खिलाएंगी लेकिन दादी माँ तो बिल्कुल स्टिफ बॉडी डेड पड़ी हुई थी उसके ऊपर स्ट्रेचर के ऊपर लाल कपड़े से उनका शरीर ढका हुआ था कैसे खिलाती चिड़िया कैसे समझती है बात को ऐसा सोचते हुए मेरी माँ गई अंदर उन्होंने रोटी के टुकड़े लाए और उसके टुकड़ों को उसको फेंका सी आर यू एम बी क्रम मीनस टुकड़ा बिट्स शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स ऐसा मैश कर देना हाथ से ऐसा जो क्रम कर देते हैं शी ब्रोक देम इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट इट टू देम और उसने उसको फेंका और दे स्पेर टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड और ये जो चिड़िया थी ये जो गरैया थी इन्होंने ब्रेड की ओर ध्यान ही नहीं दिया ब्रेड की ओर देखा भी नहीं दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड उन्होंने ब्रेड को देखा भी नहीं ब्रेड की ओर ध्यान भी नहीं दिया टू टेक नोटिस ऑफ ध्यान देना देखना सो माई मदर हु ब्रेड क्रम दम थ्रू दम अवे फॉर द बर्ड The bird refused to take notice of it. They did not bother to see them. When we carried my grandmother's corpse off, C O R P S E, Corp. Mane sharir. When the grandmother's corpse was taken off, we carried it off. Ham jab usse dhone lage to carry jab lejane lage. दीज बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली वॉट इज सीन ये जो चिड़ियाँ थीं मेरे द्वारा हम लोगों के द्वारा शरीर को मृत शरीर को स्ट्रेचर में उठाया गया उसके बाद ये चिड़िया जिन्होंने ब्रेड को की ओर ध्यान भी नहीं दिया वे उड़ चली चली गईं शान चुप चाप देख फ्लू अवे क्वाइटली दूर उड़ गई नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इंट द डस्टबिन। और जो ब्रेड के क्रम्स ब्रेड के टुकड़े जो मेरी माँ ने यह सोचकर फेंका था चिड़ियों के लिए कि चिड़िया शायद खाने आई हैं, लेकिन चिड़ियों ने ध्यान नहीं दिया देखा ही नहीं और उस क्रम्स को अगले दिन सुबह स्वीपर आता है उस क्रम्स को इकट्ठा करता है और दस दिन में डाल देता है वेन वी carried ग्रैंड corpse कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन एंड विद दिस दिस ब्यूटिफुल स्टोरी कम्स टू एन एंड ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है कहानी तो खत्म हुई बट इट लिव बिहाइंड फीलिंग्स इन अस इन द रीडर्स आई एम श्योर यू ऑल्सो मस्ट हैव मूव्ड अलॉन्ग द स्टोरी आप भी कहानी के साथ साथ बढ़े होंगे और ग्रैंड सन के साथ आपने ग्रैंड मदर की डेथ तक की यात्रा की होगी इस कहानी में यू ऑल्सो मस्ट हैव ट्रैवल्ड अलॉन्ग The story as the grandson narrates describes the times since his childhood to the time when mother, grandmother, dead body is taken off. The story is full of emotions, full of feelings. Speaking volumes about relations between the grandmother and the grandson the bonding is very well depicted shown in this story koshwan singh i'm sure the writer you must have felt he has very successfully succeeded he has very successfully succeeded in bringing out the best from grandson So far as his feelings for his grandmother are concerned, grandmother के बारे में grandson के जो विचार हैं उसकी जो भावनाएं हैं इस कहानी के लेखक खुशवंत सिंह ने आप मानेंगे निश्चित रूप से उन भावनाओं को बड़े अच्छे से पिरोया है और उसको भावनाओं को निकालने में बहुत अच्छे से बहुत सफलता पाई है जे जो संबंध है ग्रैंड मदर दादी माँ और बेटा के बीच में ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत अहम अंग है एक अच्छी परंपरा है अनलाइक द वेस्ट वेर ग्रैंड मदर हैज ए वेरी क्लोज बॉन्डिंग विद फैमिली मेम्बर्स सो नाउ विद दिस दिस स्टोरी कम्स टू एन एंड And we will move on to exercise by way of different questions, by way of vocabulary, by way of uh, understanding the story better in some way. Some features of this story you must understand. Or rather, let me tell you right now that the Visheshtha, there are only two main characters in the entire story, the grandmother and the grandson, that's all. These two characters are there right from beginning to end, number one, there is no third character. The second feature of the story is there is no dialogue, koi baachit nahi hai, koi quotation udharan hai, and so there are no dialogues. The third feature about the story is the various stages are very clear: stage of childhood, stage when he starts going to school, come to the city, the stage when he starts going to school in the city, stage when he goes to when the grandson goes to university, and last, stage when he comes back. एंड दैट ड सीन जो अंतिम दिन है जब वो वापस आता है और उस दिन की घटना का विवरण दीज स्टेजेज आर ब्यूटिफुली वेरी वेरी सटली मैंशन एंड नरेटिड एंड देयर लाइक द स्किल ऑफ द राइटर खुशवंत सिंह हु हैज वेरी सक्सेसफुली डिपिक्टेड द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ़ द ग्रड ओल्ड मदर and so on and so forth so we'll move on to the exercise and few other things related to this story the portrait of a lady